सिर्फ महमूद के साथ रहकर उसे ये यकीन दिलाना होगा कि ये उसी का सगा है, लेकिन दरअसल ये उसकी हर एक्टिविटी मुझे रिपोर्ट करेगा ताकि हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकें, जो जो गुनाह उसने किए हैं और उसको सजा दिलवा सकें। बॉस, इस वक्त मुझे आप में और मामू में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। प्रॉमिस, उन्होंने भी अपना मफाद निकालने के लिए हमेशा मुझे इस्तेमाल किया और आप भी अपना काम निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। बॉस, सॉरी, आप अपनी जंग खुद लड़ें। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ, वो फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ ना उसके लिए। अरे भाभी नहीं, अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं, मेरी अभी बात हुई है उससे, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने, बिल्कुल ठीक है। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ तुम्हें बताए, तुम माँ हो उसकी, तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए उसका, उसके खाने पीने का, सोने जागने का। बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। अब बीजान वैसे भी अगर डॉक्टर से चेकअप हो जाए एक बार तो उसमें हर्ज ही क्या है। छोटा सा अपार्टमेंट है, कोई सुनने का? हाँ हाँ हाँ, मारो मुझे ताने, मारो ताने कि मैं तुम्हें एक महल से एक छोटे से फ्लैट में लाकर बंद कर चुका हूँ और यहाँ पर तुम्हारा दम घुटता है, यहाँ पर कुछ भी बोल दो तो सबको आवाजें जाती हैं, बोलो, लेकिन क्या करूँ? अरे यार, कोशिश कर तो रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? दिन रात एक की हुई है मैंने, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना ही बाप मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है तो मैं क्या करूँ? मेरा अपना ही बाप चाहता है कि मैं नाकाम हो जाऊं तो मैं क्या करूँ? बताओ क्या करूँ मैं? आज खुद को संभालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों कहते हो तुम्हें?